बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मान में टोटल कोरोना के केसेस। सबसे पहले आपको आज की डेट बताते चलूँ, आज है 18 जुलाई सन 2020 और दिन है हफ्ते का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसी ही अच्छी अच्छी और मालूमती वीडियोज के लिए। तो दोस्तों आज जो न्यू कन्फर्म केस रजिस्टर हुए हैं वो हुए हैं जी 1311 यानी 1311 केस, और इन 1311 केसों में से 1078 यानी 1078 केस हैं ओमानियों के, और 233 यानी 233 केस हैं नॉन ओमानी यानी खारजियों के। इस तरह से आज जो टोटल केस ओमान में रजिस्टर हो चुके हैं वो हो चुके हैं जी 65504 यानी 65504 पीपल के। और अगर अमवात की बात करें तो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान 10 न्यू अमवात वाकया हुई हैं, यानी 10 न्यू अमवात वाकया हुई हैं, और जो टोटल अमवात वाकया हो चुकी हैं ओमान में वो हो चुकी हैं जी 308 यानी 308 पर्सन की। और अगर रिकवरी की बात करें तो माशाल्लाह से रिकवरी आज के केसों से ज़्यादा है। दुआ करें कि बिल्कुल रोज़ाना बिल्कुल ऐसे ही केसों की तादाद नीचे आए और रिकवरी की तादाद ऊपर जाए ताकि ये जल्द से जल्द ओमान से ख़त्म हो सके। तो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान 1300 यानी 1322 अफराद रिकवर हुए हैं, और जो टोटल इस वक्त तादाद हो चुकी है रिकवरी ओमान में वो हो चुकी है जी 42772 अफराद की यानी 42772 पर्सन की। अर्दों से जो भी इस दुनिया से इस कोविड-19 की वजह से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे, और जो भी दोस्त इस वक्त कोविड-19 के मरीज हैं अल्लाह ताला उन सबको जल्द से जल्द सेहतियाब करे। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान जो न्यू एडमिट हुए हैं वो हुए हैं जी 79 यानी 79 अफराद, और जो इस वक्त टोटल मौजूद हैं हॉस्पिटल में वो हैं जी 574 यानी 574 पीपल। और अगर आईसीयू की बात करें जो इंतहाई निगहदाश्त हालत में मौजूद हैं तो वो हैं जी 164 अफराद यानी 164 पीपल। और अगर कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट हुए हैं ओमान में वो हुए हैं जी 3976 अफराद के यानी 3976 पर्सन के। और जब से ये बीमारी आई है तब से लेकर अब तक जो टोटल टेस्ट हो चुके हैं ओमान में वो हो चुके हैं 2,66,845 अफराद के। दोस्तों ओमान का कोई भी मेहमान आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे कि आप कैसे इससे सेफ रह सकते हैं कोविड-19 से, कैसे दूसरों को सेफ रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आपको रूल बताए हैं वो भी आप ज़रूर फुलफिल कीजिएगा ताकि हम भी सेफ रहें, आप भी सेफ रहें, और हमारे साथ में रहने वाले भी सेफ रहें। तो ये थी आज की अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।